हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हम डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है दैट इज़ रिलेटेड टू पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वी आर डिस्कसिंग हियर एनवायरनमेंट एंड ग्रोथ, हाउ दीज बोथ कंसेप्ट्स आर रिलेटेड, किस तरह से वातावरण और ग्रोथ आपस में रिलेटेड है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नाउ एज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ कंसर्न, बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ पर कैपिटा इनकम and national income and standard of living of the persons living in a particular country। जब हम किसी देश के बात करते कि whether the economic growth is there or not, यानी वहाँ पर economic growth है या नहीं, इसका मतलब अभिप्राय सामान्यतः ये होता है कि प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसी तरह राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी है या नहीं है, और लोगों का जो जीवन स्तर है उच्च जीवन स्तर है या नहीं है। तो ये मुख्य कारण रहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। अब जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आधुनिक विकास को प्रभावित करते हैं। दीज फैक्टर्स आर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर एग्जांपल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का ग्रोथ जब होता है तब भी हम कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है, यातायात अगर बढ़ रहा है, वाहन आ गए हैं तब भी विकास का एक कारण माना जा सकता है, शहरीकरण हो गया है तब भी विकास माना जाए, ज़्यादा शहर बन रहे हैं, गांव से शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ये विकास का एक मान सकते हैं कि स्रोत है ये। और माइनिंग भी हो सकता है, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट के रीजन्स हैं। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट होती है, तो उसके साथ साथ ही पॉल्यूशन भी जुड़ जाता है, यानी प्रदूषण भी जुड़ जाता है। कई तरह के प्रदूषण होता है, लेकिन रफली हम वी आर इंक्लूडिंग थ्री टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तीन तरह के पॉल्यूशन की हम बात करते हैं। वन इज़ एयर पॉल्यूशन, यानी रिलीज ऑफ गैसेस, वायु प्रदूषण, यानी कि हमारे वातावरण में विभिन्न तरह की अनावश्यक जो गैसेज हैं वो मिल जाती हैं, तो ये वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है। उसके अलावा जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड फ्लोज इन द रिवर्स, जब भी कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो नदियों में मिलता है, जल के दूसरे स्रोतों में मिलता है, तो वो पोल्यूशन फैला देता है। तीसरा जो रीज़न है वो है नॉइज़ पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण। ये मशीन्स के जो इंडस्ट्रीज में मशीन्स हैं या फिर हमारे व्हीकल्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, लाउड स्पीकर्स वगैरह, ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है। एक और, अब इसके बाद हम, ये तो पोल्यूशन की बात होगी, अब जब हम एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूसरा एक पहलू मैं लेना चाहूँगा। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जब होता है, यानी कृषि का जो विकास होता है, उस विकास के दौरान केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स का भी होता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए 1967-68 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तब से ये हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ होना, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रोडक्शन बढ़ गई उसकी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो गए, क्योंकि आप इरिगेशन का भी है, हमारी सिंचाई की व्यवस्था की बात हुई उस दौरान ही, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उस पर भी फ़र्क पड़ा, बहुत ही डीप लेवल तक खुदाई होने से जो वाटर लेवल था काफ़ी नीचे चला जाता है नॉर्मली, तो ये भी एक कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान वाली बात है, भविष्य में पानी की समस्याएँ हो सकती है, तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं। उसके अलावा हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, जैसे वातावरण में परिवर्तन होता है, तो क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। एसिड रेंज, हम धीरे धीरे इन इशूओं के बारे में बात आगे भी करेंगे। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के एस्पेक्ट्स हैं। तो डिजीज़ हो जाती है, जब इस तरह का पोल्यूशन होता है तो लोगों को विभिन्न तरह की बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कैन बी ड्यू टू द पीपल, लाइक सांस की तकलीफ हो सकती है, देर कैन बी स्किन डिजीज टू देम, चर्म रोग हो सकते हैं, और भी बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं पॉल्यूशंस की वजह से। अगर हम बात डिटेल थोड़ी डिस्कशन करें एयर पोल्यूशन के बारे में, यानी वायु प्रदूषण के बारे में, तो आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण वास्तव में क्या है। कार्बन इज एमिटेड बाय व्हीकल्स जनरली, तो जब वो हमारे जो वाहन है उनसे एक कार्बन जो है वो उत्सर्जन होता है। कार्बन के उत्सर्जन होने से क्या होता है कि हमारा जो वातावरण प्रदूषित हो जाता है, एयर पोल्यूशन इज़ देयर, और एयर पोल्यूशन होने की वजह से एक एसिड रेन का एक स्रोत बन जाता है। तो एसिड रेन की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और
हाइड्रोजन सल्फाइड जो है अमोनिया वगैरह ये आदि उत्सर्जन होते हैं इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से भी और दूसरे कारणों से भी, तो ये भी वाटर एयर को पोल्यूट कर देते हैं, वायु प्रदूषण फैला देते हैं। मेट्रो सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मद्रास की बात करें, तो इन मेट्रो या दूसरे बड़े शहरों में भी वायु प्रदूषण की बहुत समस्या है। तो कारण क्या है? अब अगर आप देखें तो विश्व के सबसे बड़े प्रदूषण वाले शहरों में हमारे दिल्ली या दूसरे बड़े शहर भी आते हैं। अभी इन दिनों में जब ये हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ है तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी असर पड़ा है, कम हमारे यहाँ वायु प्रदूषण हो गया। इस समस्या से निजात डालने के लिए बल्कि दिल्ली में तो ऑडिवन गाड़ियों का फार्मूला भी चलाया गया ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। तो ऐसे बहुत से कारण हैं प्रदूषण के जो एयर पोल्यूशन को बढ़ा देते हैं। उसके बाद अगला जो है पोल्यूशन का रीज़न, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण हम जिसकी बात करते हैं। तो जल प्रदूषण के जो अगर हम बात करें, व्हाट आर द वेरियस मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी के मुख्य जो स्रोत हैं दीज आर अफेक्टेड, लाइक लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स स्ट्रीम्स, जो नदियाँ हैं, जलप्रपात हैं, चश्मे हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन इनमें हो जाता है। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं, नदी जो गंदा पानी घरों का जाता है, इंडस्ट्री से जाता है, वहाँ प्रदूषित कर देता है उस पानी को, और बाद में लोग मलमूत्र भी करते हैं नदियों के पास। तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं। तो आज ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अभी इस वक्त एक इंटरनेशनल लेवल पे डिजीज़ इस वक्त चल रही है, उसकी वजह से लोग क्योंकि घर में हैं तो कहीं ना कहीं इन नदियों का प्रदूषण भी कम हुआ है। तो ये भी अदरवाइज़ पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न रहा है वाटर पोल्यूशन। तो ये वाटर पोल्यूशन हो जाता है तो लोगों को देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस टू द पीपल, लाइक डायरिया, वॉमिटिंग यानी दस्त हो जाते हैं, पेट विकार की दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये अगर हम बात करें क्या ऐसे मेन सोर्सेज, व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन घरों का गंदा पानी जो है, इंडस्ट्री का गंदा पानी है, मरकरी जो इंडस्ट्री से निकलता है, क्रोमियम लेड निकलता है, इसके अलावा सीवेज का पानी है, मलमूत्र का पानी है घरों से जो निकलता है, इस तरह के और बिजनेस है। ये अगर हम बात करें इंडस्ट्री से वेस्ट है, डोमेस्टिक वाटर है, ये बहुत सारे सोर्सेज जिनकी वजह से बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द वाटर पोल्यूशन इज़ क्रिएटेड जनरली एंड दैट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल टू द पीपल विद इन द सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट इज सॉलिड वेस्ट। अगर हम बात करें एक और पोल्यूशन का एक रीज़न है वेस्ट जो है, दीज वेस्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक कैंस, बॉटल्स एंड बैग्स कैन बी देयर, यूज टायर्स, ओल्ड शूज़, चप्पल्स एट्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है पोल्यूशन हो सकता है सॉलिड वेस्ट में। अगर हम बात करें आजकल ई कचरा की भी बात होती है, जो विश्व के बड़े शहरों में तो ई कचरा हो ही गया है, भारत भी इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वालों में, कंप्यूटर यूज़ करने वालों में है, टेलीविज़न सेट्स वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें कभी ना कभी ख़राब होती है कचरे का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसके भी ऊपर भी कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है डिफॉरेस्टेशन की। पेड़ अगर जो है पेड़ों के कटान की बात करते हैं, देर इज़ बेसिकली वाई देर इज़ ए डिफॉरेस्टेशन, क्यों पेड़ों को काटा जाता है। बेसिकली पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग डे बाई डे, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में देर इज़ डेफिनेटली नीड ऑफ मोर हाउसिंग टू द पीपल, लोगों के लिए घरों की आवश्यकता है, तो उसके लिए जंगलों का कटाव ज़रूरी हो जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फायर वुड, घरों में लकड़ी जलाने की बात होती है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पेड़ काट देते हैं लोग। बल्कि आजकल तो वैसे सरकार विभिन्न तरह के जो है लकड़ी ना काटें तो उसके लिए सरकार भी प्रबंध कर रही है, लोगों को विभिन्न देश के राज्यों में जो है वहाँ पर लोग गृहिणियों को या परिवारों को मुफ्त में या कम दाम पे गैस की सप्लाई की जा रही है ताकि वो चूल्हे वगैरह के लिए लकड़ी का भी कम से कम प्रयोग करें। उसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं फॉर द डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटाव के वो रोड्स बनाने होते हैं, रेलवेज़ को अपनी एक्सपेंशन करनी है, इलेक्ट्रिसिटी के टावर लगाने हैं, दूसरे टावर्स लगाने हैं, और भी बहुत से रीजन, डैम्स बनाने हैं। तो दीज आर द सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से कह सकते हैं आपकी डिफॉरेस्टेशन इज़ देयर। नाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बेसिकली जब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, इसकी वजह से जब पेड़ कटाव होगा तो फ्लड के रीजंस हो जाएंगे, क्योंकि जो नदियों के आसपास जो मिट्टी की जो पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है, तो नुकसान का ज़्यादा खतरा रहता है। जब डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कटाव होगा, जंगल कटाव होगा, तो उससे जो है देर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स विच आर मिसिंग राइट नाउ,
पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां जो विलुप्त होने के गगार पे पहुंच गई हैं, ऐसे हालात भी हो गए हैं। उसके अलावा दैट इज़ हैविंग इफेक्ट अपॉन द ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ा है। तो अगला पोल्यूशन का एक और टाइप है, दैट इज़ नॉइज पोल्यूशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन, दैट कैन बी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, दैट कैन बी फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, फ्रॉम फॉर द पर्पज ऑफ सोशल गैदरिंग्स लाइक मैरिजेज एटसेट्रा, सर्टन एग्रीकल्चर मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स आर मूविंग, देन इट कैन क्रिएट अ नॉइज पोल्यूशन, देन आफ्टर दैट माइंस ब्लास्ट कैन बी देयर। तो क्या क्या रीजंस रहते हैं, जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री के से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, परिवहन की वजह से, लाउड स्पीकर की आवाज़ की वजह से जो शादियों में विभिन्न समारोह में चलते हैं, उसके अलावा जो है कृषि के लिए मशीनें चलती हैं, या माइन जो है ब्लास्ट होते हैं उसमें आवाज़ होती है, इसको ऐसे भी पोल्यूशन हो सकता है। सरकार अपनी तरफ से नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा है कि एक समय निश्चित किया है, रात को 10 बजे के बाद आमतौर पर स्पीकर नहीं चलाया जा सकता, परमिशन की आवश्यकता रहती है। तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परिवहन के लिए भी बात करें, ट्रांसपोर्टेशन के भी नए नॉर्म्स आ गए हैं, गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर भी फोकस होने की कोशिश हो रहे हैं। तो कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश, इंडस्ट्री के ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की है कि उनके यहाँ भाई कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन हो। तो ऐसे कोई एस्पेक्ट्स इन पर गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है। अगला जो फैक्टर है दैट इज़ रिलेटेड रेडिएशंस। नाउ इफ़ यू रिमेंबर द सिचुएशन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी फ्रॉम जापान इन 1945, देर वॉज अ न्यूक्लियर अटैक, वहाँ पर न्यूक्लियर अटैक हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में न्यूक्लियर वेपन से। आज इस तरह का इम्पैक्ट तो नहीं है, विभिन्न देश बना रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स फिर भी, लेकिन आज की तारीख में जो बेसिकली यूज़ हो रहा है न्यूक्लियर, जो हमारे जो उत्पादन में हो रहा है, अगर हम बात करें रेडिएशन का खतरा है वहाँ पर बिजली उत्पादन में, क्योंकि देर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट बिकॉज ऑफ दैट। लो लेवल वेस्टेज कैन बी देर, मिडिल लेवल वेस्टेज, हाई लेवल वेस्टेज, एंड जनरली जो मिडिल लेवल और हाई लेवल का जो वेस्टेज उन्हें आमतौर पर भूमि के अंदर रखा जाता है, अंडरग्राउंड उसे रखा जाता है, स्टेनलेस स्टील के सिंगल लेयर और डबल लेयर और मोर देन दैट लेयर्स बनाई जाती हैं उसके अंदर, कभी ना कभी रेडिएशन जो है ये बाहर निकल सकते। तो जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली दैट कैन बी ए प्रॉब्लम क्रिएटर फॉर द पीपल, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ये नुकसान कर सकता है, इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज अगला एक एस्पेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, एटमॉस्फेयर की बेसिकली एक शील्ड होती है, जिससे कि क्या होता है जो व्हेन वी आर हैविंग द रेज ऑफ द सन, सम पार्ट इज़ एब्जॉर्ब बाय दैट एटमॉस्फेरिक शील्ड, और कुछ उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। इसी कोई सूर्य में किरणें जो आती हैं उसमें से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये शील्ड जो है इसे सोख लेती है, बाकी कुछ को वापस कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ जो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट कम हो रहा है और कहीं ना कहीं ओजोन लेयर का भी डिप्लेशन हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे इंडस्ट्रियल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, इनकी वजह से भी, रिसाव होने की वजह से भी कहीं ना कहीं ओजोन लेयर पे इफेक्ट हो रहा है। हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है, कहीं ना कहीं ये डर की बात है कि जो हमारे बड़े अंटार्कटिका जैसे जो स्थान हैं बर्फ वाले हैं, उनमें भी बर्फ़ पिघल सकती है, समुद्र का जो पानी है वो कुछ शहरों को की तरफ आ सकता है, शहर बह सकते हैं भविष्य में, ऐसे भी डर रहता है, ज़्यादा बारिश हो जाना, ज़्यादा गर्मी हो जाना, ये सभी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होने के, उसकी कमी के वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से क्रिएट कर सकता है। तो क्लाइमेट चेंज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, जो कि हमेशा हमेशा दिक्कत करेगा हमें। अगला जो एस्पेक्ट मैं बात डिस्कस करूँगा दैट इज़ टू एसिड रेन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है, देर आर सर्टन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सर्टन पॉल्यूटेंट्स आर मिक्सड इन द एयर, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर मिक्सड इन द एटमोसफियर। इंडस्ट्री के कुछ तत्व जो हवा में मिल जाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जब ये मिलते हैं दे आर चेंजिंग टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बदल जाते हैं। अल्टीमेटली वट इज़ हैपनिंग, दीज आर फॉलिंग ऑन द अर्थ एंड दे आर कॉजिंग द एसिड रेन, ये आसमान से एसिड वर्षा के रूप में गिरते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोगों को, फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएशन कर सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन की जो मैंने बात की, इसमें भी चर्चा मैंने करी ली है ओजोन लेयर की। ऑक्सीजन के जो प्रकार है उसके बारे में ही बेसिकली ओजोन का है। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है और वातावरण में ये एक अपर लेयर की फॉर्म में होता है। मैंने बात कर ली है इस बारे में आपसे पहले। तो अगला जो है
प्रोटेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज भी उसी का ओजोन लेयर और इसी का है, अल्ट्रावायलेट सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इनसे बचाव करती हैं ये ओजोन लेयर, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दीज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स और डिजीज लाइक कैंसर, कैटरेक्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, यानी कि ऐसी कई बीमारियाँ हो सकती हैं जैसे कैटरेक्ट, आँखों की समस्या, कैटरेक्ट जो है आँखों की समस्या से संबंधित है, देखने की समस्या, हमारे विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन समस्याएँ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ, और उसके अलावा चमड़ी के रोग, चर्म समस्याएँ, कैंसर, तो ये बीमारियाँ हो सकती है, तो हमें कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इशू इज़ रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन, यानी वन कटाव। अगर हम बात करें कि बेसिकली ट्रीज़ आर देयर ऑन द रिवर सिस्टम, नदियों के किनारे पेड़ होते हैं, और जब हम सोयल को कंट्रोल करते हैं, हमने पहले भी बात की इस बारे में थोड़ी सी, और रेनफॉल्स वगैरह होती है, नेचुरल कैलमिटीज़ और विंड्स फ्लो में कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। अगर यहाँ पर वन कटाव होता है तो अल्टीमेटली दैट इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स, लोगों के लिए नुकसान वाली बात है वन कटाव होता है अगर, तो हम बात कर चुके हैं इस बारे में पहले। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है उनसे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है हमारे यहाँ पर, इस बारे में अगर हम बात करें पोल्यूशन के लिए फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आर बीइंग यूज्ड, जो कि ये हेल्थ को अफेक्ट करता है। अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है, ज़मीन के नीचे का जल जो है, क्योंकि ज़्यादा खुदाई पानी के लिए होती है, इरीगेशन पर्पज़ के लिए होती है, उसकी वजह से अंडर जो वाटर लेवल है वो डाउन जा रहा है, वो भी भविष्य में पानी की समस्या हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ पे 1968 के आसपास जो हमारे यहाँ पे हरित क्रांति जो थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद इन चीज़ों पर फोकस हुआ, तो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है हमारे लिए, क्योंकि कई बार लोग अपनी फसलों को बढ़िया, आपने देखा होगा कि अच्छी फसल उगाने के लिए जो है वो ज़्यादा इनका छिड़काव कर देते, तो लोगों की हेल्थ के लिए अल्टीमेटली नुकसान वाली चीज़ें, इन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगला एस्पेक्ट जो है एयर पोल्यूशन का हमने बात की है, तो एयर पोल्यूशन क्या कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं, थोड़ा ब्रीफ में इस बारे में बात करूँगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है या प्राइवेट ट्रांसपोर्टर में जो नए नॉर्म्स हैं, उन पर जल्दी से जल्दी हमें नए मापदंड जो उन पर लागू करना ज़रूरी है, ताकि इससे पहले हमारे यूरो नॉर्म्स चल रहे थे, अब BS6 के नॉर्म्स आ गए हैं, एक समय के बाद इन्हें कहा गया तो वो लागू करने हैं, तो फिलहाल तो वैश्विक जो बीमारी चल रही है उस वजह से इनके ऊपर अब इनको लागू होगा नहीं होगा कब समय इसके लिए पता नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल्स के ऊपर फोकस गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को खुद ही अवेयर होना ज़रूरी है कि अपने, उसके अलावा स्मोक फ्री फ्यूल, जैसे गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि लोगों को जो लकड़ी जलाने की कोशिश ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में गैस का प्रोविज़न किया जाए लोगों के लिए, तो ऐसे किचन में भी जो प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी, ताकि लोगों को समस्याएँ ना हो एयर से रिलेटेड, तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस पर अगला जो वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड जो फिक्स कर रखे हैं इंडस्ट्री के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करना बहुत ज़रूरी है। वाटर सीवेज प्लांट्स हैं वो आमतौर पे क्या करते हैं कि जो गंदा पानी जो है घरों का जो है मलमूत्र का पानी है वो नदियों में बहा देते हैं या वाटर सोर्सेज में मिल जाता है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सीवेज प्लांट हो गया, इंडस्ट्रीज़ का जो गंदा पानी आता है रिलेटेड टू हमारे यहाँ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कई इंडस्ट्री एरिया के आसपास का अगर पानी देखें, हिमाचल में भी बद्दी बरोटी वाला का एरिया है, लुधियाना का एरिया है, पंजाब में, ऐसे बहुत ही जहाँ पर इंडस्ट्री उसके आसपास का पानी काफ़ी पॉल्यूटेड नज़र आता है, तो इन पर भी बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि जो इंडस्ट्री है उस पर कंट्रोल करे, कहीं प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हो भविष्य में, लोगों को पानी ना मिले, ऐसी कोई समस्या ना, गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता और ज़्यादा है, और लोगों को भी, इंडस्ट्री को भी, सबसे ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सॉलिड वेस्ट का जहाँ तक सवाल है, रिसाइकिलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है, हो भी रहा है, ताकि जैसे बात करें अलग से, जैसे अभी बहुत से स्टेट्स में अलग अलग से कूड़े के लिए दो तरह के, हिमाचल में भी अगर हम देखें तो गीला कचरा और सूखा कचरा इस तरह का रखा गया है प्रोविज़न, तो सॉलिड वेस्ट के ऊपर प्रोविज़न आवश्यकता है। पॉलीथीन के ऊपर बैन हिमाचल में करने की पूरी कोशिश है, फिर भी बहुत सी जगह अभी भी पॉलीथीन नज़र आता है, और स्टेट्स में भी क्या प्रोविज़न है मुझे नहीं इस बारे में ज़्यादा मालूम, लेकिन हिमाचल में ये बैन है पूरी तरह से। वैसे उसके अलावा अस्पतालों का जो कचरा है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट है, सिरिंज हो गया, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल में हो गए। मुझे घटना याद आ रही, चंडीगढ़ के पास, चंडीगढ़ के PGI जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी एक बार हॉस्पिटल से कुछ गलती से रेज जो है स्पेसिफिक टाइप की वहाँ से रेज एमिट हो गई थी, इस वजह से कंट्रोल करना उन्हें बहुत ज़रूरी हो गया था, कुछ 2-4 साल पहले की बात है। तो हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट है उसके ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है,
करती हैं, गवर्नमेंट्स कर रही हैं, फोकस बन जाने में कई बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जनरल पब्लिक की भी, कहीं ना कहीं हम इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसका नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स उनको एरियाज़ को बढ़ाना होगा, एज़ फॉर द ग्रीन बेल्ट्स अराउंड हॉस्पिटल्स आर कंसर्न, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस एरियाज़ और दूसरे एरियाज़ हैं, उनके आसपास हमें ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर फोकस करना होगा, ताकि नॉइज़ पोल्यूशन जो उनकी वजह से, क्योंकि पेड़ों के आसपास आवाज़ दब जाती है, तो इसके ऊपर भी हमारे लिए अदरवाइज़ भी एयर पोल्यूशन भी कम होगा उससे, तो इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है उससे नॉइज ग्लास मटेरियल जो है बीच में यूज़ किया जा सकता है, इस वजह से पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो मशीन्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं लो साउंड वाली मशीन्स के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। कानून जो है हमारा उन पर सख्ती से लागू करवाना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम देखें, प्रेशर हॉर्न्स बजाते हैं कई लोग, तो उस पर हॉस्पिटल के पास, वैसे स्कूल्स के पास ये बैन है, बट उसके बावजूद भी लोग बजाते हैं, बार बार हॉर्न बजाते हैं। कई स्टेट्स ने तो अपने, दिल्ली में तो मुझे याद है कि हॉर्न फ्री बनाने की कोशिश एक कुछ लोगों ने प्रयास की वहाँ पर इंडिविजुअली। हिमाचल में भी शिमला या आसपास के क्षेत्रों, बड़े शहरों की कोशिश की गई कि वहाँ पर हॉर्न फ्री किया जाए, लेकिन ये लोगों को एक बार डिपेंड करता है कितना इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सामूहिक प्रयास से पॉसिबल हो पाएगा इस तरह के पॉल्यूशन को भी कम कर पाए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए अगला एस्पेक्ट है हमारा, उसके लिए वन बचाव के लिए फॉरेस्ट के लॉज के ऊपर फोकस करना होगा प्रॉपरली। फॉरेस्ट फायर जो लोग जंगलों में आग लगा देते हैं अच्छी फसल के लिए, कई बार सोच होती है, पंजाब में पराली वगैरह जलाने की समस्या होती है, तो बहुत से दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में जो उससे क्या होता है, या किसी और स्टेट्स में, आसपास के ज्वाइनिंग स्टेट्स में भी उसकी वजह से जो है लोग जलाते हैं, तो अल्टीमेटली पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये भी कहीं ना कहीं उस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार तो अपनी कोशिश पूरी करती है, फिर भी लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च पे फोकस करने की आवश्यकता है, सोशल अवेयरनेस की बात है, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे हमें फोकस करना होगा। तो अगर हम सभी इस पे ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आई एम क्लोजिंग माई लेक्चर है, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।